आपकी मातृस्वरूपा। उत्तर पूर्वांचल में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थापना के जो मुख्य फाउंडर हम कहेंगे, हमारी परम आदरणीय दीदी जी शीला दीदी जी ने जैसे हम सभी को उंगली पकड़ कर हम सभी को आगे बढ़ाया और इसके साथ साथ इस ईश्वरीय सेवा को भी आगे बढ़ाए। आज सिर्फ उत्तर पूर्वांचल ही नहीं, इसके साथ साथ बांग्लादेश के भी आप निर्देशिका है और आज के आप बचपन से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान को अपने जीवन में अपना कर पूरे विश्व में इसे देने के लिए आप सेवा पर व्रती है। मैं आदरणीय बहन जी को अपनी शुभ आशीष दुःशब्द बोलने के लिए अनुरोध करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पर उपस्थित और सभा में उपस्थित सभी मेरे प्रिय आत्म बंधुओं एवं भाई बहनों, आज हम सब के लिए विशेष दिन है और उस विशेष दिन पर हम सब खुशियां मना रहे हैं। सिल्वर जुबली तो आज मना रहे हैं। मेरे मन में बैठे बैठे आ रहा था, जिस तरह आज हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं तो जरूर फिर हम सब मिलकर एक दिन गोल्डन जुबली भी मनाएंगे। मनाएंगे ना सभी गोल्डन जुबली। सभी को विशेष त्रिपुरा निवासी भाई बहने जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इतना पुरुषार्थ किया है, तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ अर्पित करके सहयोगी बने हैं, उसके लिए आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना है। सदा इस तरह से आगे बढ़ते रहिए और सबको बढ़ाते रहिए। सभी भाई बहनों ने सहयोग दिया है, कविता बहन और कविता बहन के साथी सभी भाई बहनें बहुत मेहनत करके आज इस कार्यक्रम को रचा है। मेरे मन में बहुत खुशी भी है, बहुत आनंद भी हो रहा है। तो आज आप सबको इसी पर विशेष शुभकामना दे रही हूँ। ऐसे ही आप सबको सुख देने का कार्य, खुशी देने का कार्य देते रहिए। विश्वविद्यालय में कहते हैं खुश रहो और सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो। तो खुश भी रहना है और सबको खुशी बांटना भी है। उसके लिए आज हम सब खुशी बांटने के लिए ही तो हम सब ने ये यज्ञ रचा है। तो सबको खुशी मिल रही है तो आप सबको बहुत बहुत इस सिल्वर जुबली की, रजत जयंती की बहुत बहुत शुभकामना है। शुभ भावना के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी को भी। अब हमारे कार्यक्रम, ये कार्यक्रम तो पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन आगे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके लिए मैं फिर से जो गए हुए हैं, हो सकता है भोजन के लिए भी, उनको दोबारा मैं अनुरोध करती हूँ कि आप फिर से आकर के सभा में अपने आसन ले लें, क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम अभी होने जा रहा है।
हम सभी इसको उपभोग करेंगे। अभी मैं आदरणीय जुनाली बहन जी को अनुरोध करती हूँ आज के इस सभा के अंत में धन्यवाद ज्ञापन करेंगी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जुनाली बहन जी। बहन जी को आप सभी जानते हैं जो हमारी उत्तर पूर्वांचल की प्रथम कन्या जिन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारी आदरणीय बड़ी दी बहन जी के साथ सहयोग देते हुए उत्तर पूर्वांचल की सेवा को आगे बढ़ाने में मदद दी। आप वर्तमान समय नलवाड़ी बड़पेटा और बागसा डिस्ट्रिक्ट की संचालिका है। मैं आदरणीय बहन जी को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अनुरोध करती हूँ। ओम शांति। मंच पे उपस्थित आदरणीय महानुभवगण, मैं सबसे पहले धन्यवाद देने चाहती हूँ परमपिता परमात्मा जो निराकार शिव बाबा, जिसने हम सब आदरणीय दादियाँ, वरिष्ठ भाई, सबके दुआओं से आज ये हम सिल्वर जुबली तक पहुँचे हैं, 25 साल तक पहुँचे हैं। इसलिए उन सभी को बाप दादा के साथ हम धन्यवाद दिल से करते हैं। उसके बाद आदरणीय संतोष दीदी जो राजयोगिनी तपस्विनी हमारे बीच में माउंट आबू से पधारे हैं, आप सबको पता है हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वर्तमान जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। इतने व्यस्त होते हुए भी हमारे निमंत्रण पर आके हमको हम सबको शक्ति प्रदान किए हैं, आनंदित किए हैं। इसलिए उनको हम तहे दिल से त्रिपुरा निवासी के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शारदा दीदी, आप सबको पता है अंबावाड़ी सब जोन के गुजरात जोन के हेड हैं। दीदी भी बहुत व्यस्त होते हैं, माउंट आबू के हर प्रोग्राम में वो शामिल रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में विशेष भूमिका निभाते हैं। फिर भी हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे पास इतने दूर से आए, हम सबको क्लास कराया, आज इतने सुंदर वक्तव्य रखा, हम सबको शक्तिशाली और आनंदित किया, उनको भी हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आदरणीय शीला दीदी जी, हमारी राजयोगिनी प्यारी बहन जी, जो हर पल हमें प्रेरणा देकर शिक्षा देकर आगे बढ़ा रहे हैं, आज इस मुकाम पर जो अगरतला पहुँचे हैं, त्रिपुरा पहुँचे हैं, साथ में बांग्लादेश, तो ये बहन जी की विशेष प्रेरणा और सहयोग से हुआ है। इसलिए शीला बहन जी को मैं बहुत 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 दिल से त्रिपुरा निवासी की ओर से धन्यवाद करती हूँ। त्रिपुरा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव, जो हमारे बीच में आके इतना सुंदर वक्तव्य से प्रेरणा दिया है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विशेष उनको धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने सरकार की ओर से वैरायटी डिपार्टमेंट से बहुत सहयोग दिया इस प्रोग्राम के लिए भी, और आगे भी पहले भी देते रहे और आगे भी देने का उन्होंने प्रण किया है, इसीलिए उनको विशेष हम धन्यवाद करते हैं। त्रिपुरा के लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी स्पीकर विश्वबंधु सेन जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रेरणादायक हमें वक्तव्य सुनाया, हमारे बीच में आकर टाइम दिया, आनंदित किया, हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पहुँचे, उनको भी दिल से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय विधायक माननीय रेवती मोहन दास जी हमारे बीच में आई है, और ये विधायक रेवती मोहन दास जी ने भी हमारे इस प्रोग्राम के लिए हर प्रकार के सहयोग दिया है, इसीलिए उनको भी हम
त्रिपुरा निवासी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय डॉक्टर दिलीप दास विधायक जी अभी अभी आपके सामने से गए हैं, तो उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इतना समय हमको दिया। अगरतला म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन के मेयर माननीय दीपक मजूमदार जी, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। म्यूनिसिपलिटी ने हम सभी को बहुत मदद किया है इस एरिया का सफाई के लिए, और विशेष इस जो रास्ता है ये उन्होंने एक फलक बनाया और यहाँ लगाया, ये रास्ते का नाम ब्रह्मा कुमारी मार्ग दिया, और कल सुबह 9:30 बजे इसका उद्घाटन होगा। तो ये आप सबके लिए बहुत खुशखबरी है। तो म्यूनिसिपलिटी के मेयर जी ने हर वार्ड कमिश्नर के द्वारा और इस एरिया के वार्ड कमिश्नर के द्वारा इसके सफाई इसकी व्यवस्था करने में बहुत मदद किया है, इसलिए उनको हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तिनसुकिया सब जोन के संचालिका आदरणीय राजयोगिनी रजनी दीदी जी इतने दूर से आए हैं, हमको राजयोग मेडिटेशन कराया, परमात्मा की शक्तिशाली अनुभव कराया, उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मंच संचालिका मौसमी बहन जी गुवाहाटी से आए हैं, बहुत अच्छा से मंच संचालन किया, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। त्रिपुरा के भिन्न प्रभाग के सेवा करने वाले दीप प्रज्वलक के रूप में महानुभव उपस्थित थे, और सभी महानुभव को उनको समय देकर यह दीप प्रज्वलन करके विश्व शांति के लिए जो सहयोग दिया उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे मीडिया भाई, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ने बहुत सहयोग दिया, तो उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरकार के हर डिपार्टमेंट कई प्रकार से सहयोग दिया, जो गेस्ट हाउस हमारे गेस्ट बाहर से आए, अलग अलग डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस हमें प्रोवाइड किया, तो सरकार ने ये बहुत बड़ा सहयोग दिया। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है, इसलिए होटल के साथ अगर हमको गेस्ट हाउस नहीं मिलते थे तो आपको ठहरना मुश्किल होता था, तो सरकार ने सहयोग दिया। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सरकार की, उन्होंने ये प्रोग्राम जब सुना तो इस एरिया में लाइट का पावर के लिए हमको हाई पावर का ट्रांसफार्मर यहाँ एकदम सेंटर के नज़दीक बिठा दिया, ताकि हम इतना लाइट अभी जला सके। तो इसीलिए उनके तरफ से ये जो ट्रांसफार्मर बिठाया ये बहुत बड़ा सहयोग, बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने बिठा दिया, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी विशेष करके हम धन्यवाद करते हैं। हर प्रदेश से जो हमारे भाई बहने त्रिपुरा के कविता बहन जी के निमंत्रण से यहाँ पहुँचे हैं, उन सभी को बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। आप नहीं आने से प्रोग्राम का रौनक नहीं होता था, आप आए, चार चांद लगाए इस प्रोग्राम में, सिल्वर जुबली में, इसे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस एरिया के जो भाई बहन हैं, जो जनता है, उन्होंने भी बहुत अच्छा हमें सहयोग दिया हर बात में, इसलिए हम उन सभी इस एरिया के जनता को भी धन्यवाद करते हैं। सभी जो गीत डांस विशेष करके सुर झंकार डांस एकेडमी और नवबदन डांस एकेडमी के छोटे छोटे कलाकारों ने बहुत सुंदर डांस करके हमें आनंदित किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उनकी शुभ आशा रखते हैं उनके जीवन बहुत सफल हो, फूले फले। सभी श्रोतागण, जो भी आमंत्रित श्रोतागण है, हम सभी को धन्यवाद करते हैं। ये पंडाल में जो सहयोग दिया पंडाल बनाने में, और हर डिपार्टमेंट में जो सहयोग दे रहे हैं,
उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई बहनें जो बाहर से आके सेवा संभाल रहे अलग अलग डिपार्टमेंट के, उन सभी भाई बहनों को, बीके भाई बहनों को भी कविता बहन के ओर से, त्रिपुरा भाई, त्रिपुरा के भाई बहन के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को फिर से बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप धैर्यता से इतना देर बैठकर सभी का भाषण सुना, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आगरतला निवासियों को सिल्वर जुबली का बहुत बहुत अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। और आप सभी ने हम सभी को बुलाया, उसके लिए कविता बहन साथ में त्रिपुरा के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चुनाली बहन जी को भी, आपने सभी को इतने सुंदर रीति से धन्यवाद देते हुए आज के इस कार्यक्रम को संपन्न किया। और मैं अभी आदरणीय बहन जी लोगों को भी अनुरोध करूंगी, आप थोड़ा समय सामने नीचे जाकर सामने बैठेंगे। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी शुरू होने जा रहा है, उसके लिए हाँ हम सभी आज के इस कार्यक्रम में स्वयं परमपिता परमात्मा श्री बाबा जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम इतनी सुंदर रीति से सुचारू रूप से परिचालना हुई, इसके कारण बाबा को भी हम सभी धन्यवाद देते हैं। एक मिनट के लिए हम सभी साइलेंट में बाबा को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। अभी आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम को परिचालना करने के लिए मैं माइक ब्रह्मा कुमारी तनुश्री बहन को देती हूँ। ओम शांति। अब तक मन संचालन का कार्य बहुत सुचारू रूप से संभाला हमारी आदरणीय मून दीदी ने, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारा जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर है वो शुरू होने जा रहा है। मैं सभी से अनुरोध करूंगी, जो भी भोजन करने के लिए गए हुए हैं या कहीं पर भी है, आप जल्दी जल्दी आ जाइए और अपना सीट ले लीजिए। अभी कुछ ही देर में सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। शिव अनादि है, शिव ही अनंत है, वही सत्यम है, वही शिवम है, वही सुंदरम है। आज इस सभा के मध्य में परमपिता परमात्मा शिव बाबा की उपस्थिति हम महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम सबसे प्रथम हमारे सांस्कृतिक कार्य की शुरुआत में शिव बाबा का आह्वान करते हुए, उनका स्तुति गान करते हुए बुलाते हैं हजर एमेच्योर परफॉर्मिंग विंग को। तो प्रस्तुत है शिव श्लोकम बाय डॉक्टर स्मिता लहकर, जो कि गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज की अध्यापिका है। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप प्रस्तुत रहिए, अपना म्यूजिक तैयार रखिए। अभी पहला परफॉर्मेंस आपको ही देना है, शिव बाबा का आह्वान करते हुए, उनको याद करते हुए हम सुनेंगे और देखेंगे बहुत सुंदर नृत्य शिव श्लोकम। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें हमारे डांसर्स का। वो पहले डांस कर लेना, उसके बाद सबसे पहले मैं हमारी बहन डॉक्टर स्मिता लहकर का अभिनंदन करना चाहूंगी। मंच में आप
यहाँ गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज में नृत्य की अध्यापिका हैं, बहुत बड़ी स्कॉलर हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। आप आसाम से हैं, गुवाहाटी से हैं, और अनेकों यहाँ पर आप जैसे आर्टिस्ट को आप तैयार कर रहे हैं। आप नृत्य के माध्यम से उपासना करते हैं, आप कुमारी हैं, आपका हम अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर स्मिता जी से अनुरोध करूंगी, अब ये मंच आपका है, बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत कीजिए। To hear your notification and your phone to turn on notification access. शिवकांत शंभो शशांकार्ध मूले शिवकांत शंभो शशांकार्ध मूले शिवकांत शंभो शशांकार्धमूले महेशान शूलिं जटाजूटधारिं शिवकांत शंभो शशांकार्धमूले महेशान शूलिं जटाजूटदारी त्वमेको जगत् व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप त्वमेको जगत् व्यापको विश्वरूप प्रभो पूर्ण रूप अजम शाश्वतम कारणम कारण अजम शाश्वतम कारणम कारण शिवम केवलम भासकं भासकानां अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनम् प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनम्
मूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंद रूपे नमस्ते नमस्ते विभो विश्व मूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंद रूपे नमस्ते नमस्ते तापो योग गम्य नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य नमस्ते नमस्ते तापो योग गम्य नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य शिवाकांत शंभ शशांकार्धमूले महेशान शूलिं जटाजूटधारिं शिवाकांत शंभ शिवाकांत शंभ शिवाकांत शंभ बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया, आप सभी ने देखा। बहुत जोरदार तालियों के साथ हम उनका उत्साह बढ़ाएंगे बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने के लिए। अभी हमारे सामने आ रहा है डांस का दूसरा ग्रुप, जिनके गीत के बोल है आज चेतना के पट खोलो। और इस डांस को प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, जिनके लीडर है डॉक्टर अजय कुमार सावने, जो बहुत बड़े कलाकार है और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के एचओडी भी है। कई वर्षों से वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ वो नृत्य के भी बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। मैं सर को बुलाना चाहूँगी कि आप मंच पर आए, हम उनको उनका भी स्वागत करेंगे और उनके ग्रुप का भी स्वागत करेंगे। ये हैं भ्राता डॉक्टर अजय कुमार सोभाने, आप महाराष्ट्र से हैं, पुणे से हैं और आप यहाँ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में म्यूजिक डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। आप कथक के विशेष स्पेशलिस्ट हैं और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप जुड़े हुए हैं, तो आपका हम अभिनंदन करेंगे, आपके ग्रुप का भी। प्रभु प्रेम
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम जोरदार तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाएंगे और धन्यवाद भी देंगे, इतना सुंदर नृत्य हमारे सामने प्रस्तुत किया। हम सभी परमात्मा के उपकारों को, परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव बाबा, हम भगवान कहे या ईश्वर कहे, वो अनगिनत उपकार हम पर करते जाते हैं, पर हम उसका शुक्रिया अदा कितनी बार करते हैं। किसी ने बड़ा खूब कहा है, मैं हर रोज़ गुनाह करता हूँ, मैं हर रोज़ गुनाह करता हूँ, तू हर रोज़ माफ़ करता है। मैं हर रोज़ गुनाह करता हूँ, तू हर रोज़ माफ़ करता है। मैं आदत से मजबूर हूँ और तू रहमत से मशहूर है। तो अभी हम इस सुंदर गीत के साथ इस सुंदर नृत्य का भी लुत्फ़ उठाएंगे। ये एक विशेष नृत्य है जो आप सामने देखेंगे, इसका नाम है मिरर डांस। आपको नृत्य ऐसा लगेगा कि कोई एक चार मिरर माना आईने के सामने नृत्य कर रहा है। इस सुंदर नृत्य को आप उपभोग कीजिए और हमारे कलाकारों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कभी भूल कर भी ना उसको भुला।
अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया हमारी बहनों ने। ये सारी बहनें रेगुलर आध्यात्मिक राजयोगा मेडिटेशन का भी प्रैक्टिस करती है, और इस डांस की जो कोरियोग्राफर है बहन पोशाली, वो भी सेंटर रेगुलर आती है। अब हम हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। अभी जो डांस प्रस्तुत होने जा रहा है उस नृत्य के बोल है, हर तरफ हर जगह हर कहीं पे उसी का नूर है। परमपिता परमात्मा की उपस्थिति हम इस सभा में भी महसूस कर रहे हैं, और सच में ये जो जगत चल रहा है उसी जगत नियंता के इशारों से चल रहा है। उसी की स्मृति में उसी की वंदना करते हुए हम अपने अगला नृत्य देखने जा रहे हैं, जिसके कोरियोग्राफर है बहन बनश्री नमा और सुविनय सिंह जी। हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे।
बहुत सुंदर, इतना सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने के लिए मैं सभी बहनों को बोलूंगी आप आगे आ जाए और बहन जी के हाथ से गुलदस्ता ले और आशीर्वाद प्राप्त करें। ये भी डॉक्टर स्मिता मैडम के ही ग्रुप है जिनके कोरियोग्राफर है बनुश्री नमो जी और सुबिनय सिंह जी और डॉक्टर स्मिता मैम के अंडर ही इन्होंने ये सीखा है।
मैं सभी को बोलूंगी आप आए मंच पर और बहन जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और वरदान ले। बहुत सुंदर कला का प्रदर्शन हमने देखा है। इन कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने के लिए। सुंदर है वो, सलोना है वो, हर दिल की चाहना है वो, अक्सर मन के आड़ से झांकता है वो, मन को कर दे मोहित ओ मन मोहना, हो जा तू बेपर्दा ओ मेरे कान्हा। बात से आप समझ ही गए होंगे अभी हमारे सामने कौन आ रहे हैं। राधा कृष्ण की सुंदर रासलीला हम देखेंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति है। ये भी एक अनोखा नृत्य है जिसका नाम है शैडो डांस। ये भी आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जोरदार तालियों के साथ हमारे नन्हे कलाकारों का आप स्वागत करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी बहनों को, वो आए और अपना प्रदर्शन करें। बहन शोभान्विता और बहन शागोता, उनका जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। Oh,
आते हो तुम दूर मुझसे हो कहाँ तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो आज मेरी उम्मीद हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो सुंदर प्रस्तुति हमने देखा। अब धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी प्रस्तुति की ओर और आखिरी नृत्य प्रस्तुत करने आ रहे हैं बहन इशिता। उनके गीत के बोल है, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो मैं बुलाना चाहूंगी इशिता बहन को, आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें।
मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अभी हम सभी दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा को शुक्रिया करेंगे आज इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ हुआ। बाबा की याद, बाबा को याद करते हुए आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ओम शांति।